Hello, namaskar, and a very good afternoon to all the viewers watching our session out there. This is Simran Singh, and you are watching this particular live telecast on eVidya channel number 10. Besides, we have so many different mediums through which you all can connect with us. You can participate in our live conversations by writing down your comments in the comment section of our YouTube channel. That is NCERT Official. So for another half an hour, we have a session of social science for class 10th students. And you know, what are we going to discuss today? Well, the topic is not new because we have already conducted part one of this particular topic, that is the making of a global world. So today it's the part two. In case for any reason, if you have missed the part one of this particular session, so feel free to go into NCERT Official and watch our video. And just below the videos, do mention your queries and also your comments. So providing us more understanding and guidance into the session, we also have with us our today's resource person. So allow me to introduce you with our today's guest, Shri Sushil Kumarji sir. Namaskar sir. Madam, namaskar. Bahut bahut swagat hai sir aapka. Ji, sir is a PGT history, currently serving at Kendriya Vidyalaya Asansol from West Bengal. तो इस पूरे लाइव सत्र के दौरान यदि ऐसे कोई भी सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर भी पूछ सकते हैं. इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं कि एक कॉन्टैक्ट नंबर फ्लैश हो रहा है आपकी स्क्रीन पर. सो फील फ्री टू गिव अस अ कॉल एट 8800440559 और एक आधिकारिक मेल आईडी कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए dth.class10@cierte.nic.in. तो चलिए आगाज करते हैं अपनी इस चर्चा का. सर सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि पार्ट वन में जो जो एरिया हमने कवर किया था पहले उस पर चर्चा करते हैं और फिर भाग दो की ओर बढ़ेंगे. जी मैम, निश्चित रूप से. और जैसा कि मैंने बच्चों को पहले बताया भी था, क्लास 10th के बच्चों को हिस्ट्री का ये चैप्टर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है. 16 इयर्स मुझे केवीएस में हुए हैं, बच्चे अक्सर मेरे सामने द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में कई सारे कॉन्सेप्ट कि कंफ्यूजन को लेकर मेरे सामने आए हैं. मैंने उनको कोशिश की है कि बिल्कुल सिंपल तरीके से उनको समझा सकूं. बच्चों, इसका एक सेशन ऑलरेडी नवंबर के मंथ में हमने किया हुआ है, जिसमें जो समरी है एक बार हम देखना चाहते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कशन उस दिन किया था. हमने सबसे पहले उस दिन जाना था कि ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है, ग्लोबलाइजेशन के फीचर्स क्या है, क्या ये जो ग्लोबलाइजेशन है कंप्लीटली मॉडर्न कॉन्सेप्ट है या प्री मॉडर्न वर्ल्ड में या एंशिएंट पीरियड से ही ग्लोबलाइजेशन के एलिमेंट्स देखने में आए हैं. अब अगर आए हैं तो फिर हम देखते जाते हैं. देखा हमने कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या स्टेप्स थे, कैसे ग्लोबलाइजेशन आगे बढ़ा. देन 19th सेंचुरी में ग्लोबलाइजेशन क्या नए फीचर्स के साथ आया, इस पॉइंट को भी हम लोगों ने पिछले सेशन में डिस्कस किया. फिर हमने देखा था किस तरीके से 19th सेंचुरी इंग्लैंड की परिस्थितियां बदली, वहां पे कॉल ला लाया गया और उसका अबोलिशन किया. और इन सब में टेक्नोलॉजी का क्या रोल था, टेक्नोलॉजी ने उनको क्या हेल्प की यूरोप के लोगों को के लाइफस्टाइल को चेंज करने. अब आइए हम ये देखते हैं कि आज के सेशन में हम कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ेंगे या इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट्स अभी बचे हैं जो बच्चों को समझना बाकी. आगे सबसे पहला जो आज का पहला टॉपिक होगा बच्चों, हम जानेंगे रिंडरपेस्ट एक कैटल डिजीज था. वो कैटल प्लेग या कैटल डिजीज क्या था, कहां आया, कैसे आया और उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसको समझने की कोशिश करेंगे. देन विल डिस्कस द इंटरवार इकोनॉमी. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसका क्या प्रभाव पड़ा. फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो नेगेटिव इंपैक्ट थे उनको दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए, पहले प्रभाव दिए जाने के फिर उसको दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे. बच्चों, आज के सेशन में पोस्ट वॉर रिकवरी तक ही हमने कवर किया है. एक सेशन इसका और हम डिस्कस करेंगे 16 दिसंबर को आने वाले दिन में. जो रेस्ट टॉपिक बच रहे हैं, ग्रेट डिप्रेशन, बेटरवुड इंस्टीट्यूशन, Rise of MNCs और End of Bretton Era, ये हम next session में discussion करेंगे. So I think we should start now, ma'am. Of course, sir. Yeah. So let's start with a brief introduction that we have done in the previous session.
Actually, we have seen after 19th century, the climatic condition of Europe was completely, dramatically changed. And as a result, population increased drastically. As a result, what happened? The supply of food grains shortened. And in such a condition, under the pressure of the Jamindar Varg, you can say big landlords, the British government had passed a new law that was known as Corn. But after the implementation of Corn Law, it left a very negative impact on the price of the goods, and the poor people could not afford the increased price of goods. So, it was very difficult for the industries now. अब जो है इसका परिणाम क्या हुआ, उद्योगपतियों के लिए बहुत ही मुश्किल हुआ, क्योंकि उनके कारखानों में, उनके फैक्ट्रीज में काम करने वाले मजदूरों ने अपने सैलरी को हाई करने का डिमांड करना लगा था, जिसके कारण अब इंडस्ट्रियल फोर्सेस ने सरकार पे दबाव डाला, जिसके कारण कॉर्न लॉ को अबोलिश करना पड़ा। कॉर्न लॉ जैसे ही अबोलिश हुआ, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, अब इंग्लैंड में दुनिया के दूसरे देशों से आसानी से कमोडिटीज को, आसानी से फूड ग्रेन्स को मंगाया जा सकता। सबसे बड़ा फायदा तो ये पहुंचा कि इंपोर्ट फ्रॉम द अदर कंट्रीज आसान हुआ, और इसमें नए नए टेक्नोलॉजी ने अहम रोल प्ले किया। आप लोगों ने बच्चे पढ़ा होगा, मैंने पिछले बार डिस्कस किया था कि रेफ्रिजरेटर शिप्स आने शुरू हो गए थे, नए इंजन आने शुरू हुए थे, जो बहुत ही कम समय में एक कॉन्टिनेंट से, एक देश से दूसरे देश तक सामान पहुंचाना संभव हो पाया। साथ ही साथ वस्तुओं की कीमतों में भी बहुत गिरावट आई रेफ्रिजरेटेड शिप्स के कारण बच्चों। लेकिन एक और जहां यूरोप के लोगों की लाइफ स्टाइल में बदलाव आया, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़े, तो इसके निगेटिव इम्पेक्ट भी कम नहीं है। आइए हम जानेंगे इसका सबसे पहला निगेटिव इम्पेक्ट कहां और कैसे और किस रूप में हुआ, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे जी। सो दिस इज रिंडरपेस्ट और द कैटल प्लेग। व्हाट वाज रिंडरपेस्ट? Where it affected the most of the people, सबसे ज्यादा इसका प्रभाव कहाँ पड़ा और क्या था ये रिंडरपेस्ट, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि बताया, रिंडरपेस्ट एक कैटल प्लेग है जो 1880s में अफ्रीका में पहुंचा, और ये आया कैसे? एक्चुअली ईस्ट अफ्रीका में जो इटालियन सोल्जर्स थे, उन सोल्जर्स को खिलाने के लिए, उनको भोजन कराने के लिए एशिया से बहुत सारे कैटल्स को मंगाया गया, और ये चूंकि ये कैटल डिजीज है, इनमें से एक किसी कैटल को ये डिजीज हो गया, और जो ट्रांजिशनल डिजीज जिसके कारण ये बीमारी एक कैटल से दूसरे कैटल में लगातार फैली बढ़ती है। Very soon this disease spread from East Africa to West Africa like forest fire. ये स्थिति बिल्कुल वैसे ही हो गई जैसे जंगल में आग लगती है। एक पेड़ में आग लगा, पूरा का पूरा जंगल इसके जद में आ जाता है। अफ्रीका में भी almost वही कंडीशन हुआ। ये डिजीज इतनी तेजी से फैला कि almost अफ्रीका के 90% कैटल इसमें मारे गए। अब इसका क्या परिणाम हुआ? रिंडरपेस्ट आने का अफ्रीका पे क्या प्रभाव? सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा केटल के मरने के बाद। चूंकि अफ्रीका के लोगों के लिए जॉब का, लिवलीहुड का सबसे बड़ा साधन केटल, वो उन्हीं पे निर्भर करते थे अपने लिवलीहुड। अब जैसे ही उनके केटल्स की मृत्यु हुई, वो बेरोजगार होते चले गए, जॉब नहीं सुनते, और इसका फायदा कॉलोनियल फोर्सेस ने उठाया। क्यों उठाया? ऑलरेडी कॉलोनियल फोर्सेस इन अफ्रीकन लोगों को अपने माइंस में, अपने प्लांटेशन में एज ए लेबरर्स काम करवाना चाहते थे, बट बिकॉज दे वर सेल्फ सफिशिएंट, लेकिन वो चूंकि अपने मवेशियों के कारण आत्मनिर्भर थे, जिसके कारण वो उनके प्लांटेशन में या उनके माइंस में काम करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जैसे ही इनकी पशुओं की मृत्यु हुई, कैटल समाप्त हो गए, इनकी लिवलीहुड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। इसका फायदा उठाके माइन ओनर्स और कॉलोनी गवर्नमेंट ने
उनको मोनोपोलाइज तरीके से अपने साथ काम करने के लिए तैयार करना, और इस तरीके से जहां एक ओर कॉलोनियल फोर्सेस की शक्ति और बढ़ी, वहीं दूसरी ओर अफ्रीका के लोगों को आसानी से लेबर मार्केट में लाने में वो सफल। अब एक बार देखिए बच्चों, रिंडरपेस्ट और कैटल प्लेग क्या था? दो पिक्चर है, एक पिक्चर में आप देखेंगे कि रिंडरपेस्ट का इंपैक्ट किस तरीके से होता है, क्या होता है, और अब दूसरी इमेज में देखेंगे किस तरीके से रिंडरपेस्ट के कारण कितने जो कैटल्स बुरी तरीके से मारे हुए हैं। देखिए ये दिस इज अ सिंगल रिलीज ऑफ रिंडरपेस्ट वायरस को, यानी रिंडरपेस्ट जो वायरस है उसके एक सिंगल रिलीज के कारण क्या हो सकता है? इट कैन किल मिलियंस ऑफ कैटल्स, लाखों मवेशियों की मृत्यु हो सकती है, और इस तरीके से जो वाइल्ड लाइफ या जो भी कैटल्स है जो बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं, पूरी की पूरी रेस इनकी क्या होती है, खतरे में पड़ जाती है, और इस तरीके से एनिमल वेलफेयर का जो पूरा इशू है वो खतरे में आ जाता है, और यही अफ्रीका में हुआ था। ना जहां रिंडरपेस्ट ने अफ्रीका के लोगों को मजबूर किया लेबर मार्केट में आने के लिए, उसी समय कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एक और ऐसी पॉलिसी को हायर किया जिससे वर्ल्ड मार्केट में लेबर सिस्टम, एक नए तरीके का लेबर सिस्टम की शुरुआत हुई, विच इज नोन एज इंडेंचर्ड लेबर। व्हाट इज दिस इंडेंचर्ड लेबर? ये इंडेंचर्ड लेबर क्या है? इसको हिंदी में गिरगिटिया मजदूर भी कहते हैं। बहुत सारे बच्चों, आज भी बच्चों गांव में, बिहार के गांव में चले जाइए, वहां पे आज भी गिरबिटिया मजदूर जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बिहार के बहुत सारे, खासकर भोजपुर प्रांत के बहुत सारे लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान गिरबिटिया मजदूर के तौर पे दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में ले जाए गए थे, जैसे फिजी हो, मॉरिशस हो, कैरेबियन आइलैंड्स हो, बहुत सारे मजदूरों को ले जाया गया था। इसलिए आज भी वहां के बुजुर्ग इस गिरबिटिया मजदूर शब्द के प्रयोग से वाकिफ है, उसके बारे में उनको जानकारी है। आखिर होता क्या है ये गिरबिटिया मजदूर या इंडेंचर्ड लेबर? इट इज अ बॉन्ड और कॉन्ट्रैक्ट विद लेबरर्स इन विच दे आर एग्री टू वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। इसमें क्या होता है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि जिसमें मजदूरों को उस एग्रीमेंट के तहत उनको मजबूर किया जाता है कि स्पेसिफिक समय के लिए स्पेसिफिक जगह पे उन्हें रहना पड़ेगा, और इस दौरान अगर वो चाहेंगे भी तो वो वापस अपने जगहों पे नहीं जा सकते। और सबसे बुरी बात क्या थी इस इंडेंचर लेबर की, जो टर्म्स एंड कंडीशन बनाए जाते थे वो बिल्कुल अलग होते थे, और एक बार जब मजदूर नए काम वाले जगह पे पहुंच जाते थे तो वहां टर्म्स कंडीशन, वर्किंग कंडीशन, वेजेस सब कुछ डिफरेंट होता था, बट ड्यू टू दैट टर्म्स एंड कंडीशन दे वर नॉट अलाउड टू रिटर्न बैक टू देयर होम, and that's why most of them used to settle that place only. बहुत सारे देश इस इंडेंचर लेबर से अफेक्टेड हुए, खासकर इंडिया बुरी तरह से अफेक्टेड हुआ। भारत के डिफरेंट प्रांतों के एक बड़ी संख्या में इंडेंचर लेबर दुनिया के तमाम हिस्सों में सेटल हुए। आज का जो ईस्टर्न यूपी है, बिहार है, सेंट्रल इंडिया, तमिलनाडु, इन जगहों के लाखों की संख्या में लोग दबाव पूर्वक उन्हें ले जाया गया गिरबिटिया मजदूर बना के, इंडेंचर लेबर बना के, और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उनको सेटल कराया गया। जैसे कि मैंने बताया, मॉरिशस देख लीजिए, फिजी देख लीजिए, कैरेबियन आइलैंड देख लीजिए, वहां आज आपको लाखों की संख्या में भारतीय लोग मिल जाएंगे। मॉरिशस में तो 50% से ज्यादा अकेले बिहार के लोग हैं, इसी तरह फिजी में भी बड़ी संख्या में लोग हैं, और कैरेबियन आइलैंड में भी बहुत सारे लोग हैं। बच्चों आगे हम जब चर्चा करेंगे इसमें से कुछ नाम चर्चा करेंगे जो आपने भी सुना हो। देखिए इंडेंचर्ड लेबर की शुरुआत कहां से हुई? सबसे पहले साउथ अफ्रीका में माना जाता है 1860 में इंडिया से इंडेंचर्ड लेबर की शुरुआत हुई थी, जो पहला मजदूरों का खेप है साउथ अफ्रीका पहुंचाया गया। पहली खेप में ऑलमोस्ट 342 इंडियंस को जो है मद्रास से ले जाया गया था। इसी तरह बेलवेदरे से कलकत्ता बड़ी संख्या में लोगों को ले जाया गया, और व्हाट वाज वेरी प्रॉब्लमेटिक कह सकते हैं आप, कि बहुत अनफॉर्चुनेट था कि इंडेंचर्ड लेबर्स को
जो प्लांटेशन में काम कराने के लिए ले जाया जाता था, भेड़ बकरियों की तरह जहाज के लाभ के लिए जाया जाता था, और एक बार वहां पहुंच जाने के बाद भी, जहां वर्किंग प्लेस था वहां पहुंच जाने के बाद भी इनकी जिंदगी जो है बहुत ही नारकीय थी, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन पूरी तरह से फॉलोड नहीं। नाउ इंडेंचर्ड माइग्रेंट्स इन द वर्ल्ड, अब ये जो इंडेंचर्ड जो लेबरर्स थे जो एक बार दूसरे जगहों पे काम करने के लिए जाते थे, अल्दो शुरुआत में उनके टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ही स्टिफ होते थे, बहुत ही टफ होते थे, उनकी जिंदगी बहुत ही नारकीय होती, लेकिन समय के साथ साथ ज्यादातर लोगों ने वहीं पर बसने का निर्णय किया। Not only they decided to settle in that place, but also they became the part of those places, the culture of those places. उस जगहों के, उन जगहों का जो कल्चर था उसके वे पार्ट एंड पार्सल बनते चले। जैसे उदाहरण के लिए त्रिनिदाद एंड टोबैगो जो कैरेबियन आइलैंड है, वहां पे एनुअल मुहर्रम प्रोसेशन वहां के लोकल जो कल्चर था उसके साथ मिक्सअप हो गया, और बोसाई नाम का एक फेस्टिवल आज भी बड़े जोर शोर से वहां मनाया जाता है। इसी तरह रास्ताफारिनिज्म, एक जो प्रोटेस्ट रिलीजन है, उसको बहुत ही फेमस बनाया जमैकन जो स्टार है, रेग स्टार है, बॉब मार्ले ने उसे वहां बहुत ही फेमस बनाया। इसी तरह त्रिनिदाद और गुयाना के क्षेत्र में एक संगीत का नया ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ जो चटनी म्यूजिक के नाम से जाना जाता है। मैडम आप भी समझ रही होंगी चटनी की जब हम बात करते हैं, चटनी क्यों जाना जाता है, कई सारे प्रोडक्ट को मिला के पीस के एक नया रूप में, एक नए फ्लेवर में, एक नया प्रोडक्ट तैयार होता है। तो इसी तरह जो लोग जो इंडेंचर्ड लेबर जब वहां जाते थे तो उन्होंने अपने कल्चर के साथ जो वहां के लोकल कस्टम या ट्रेडिशन थे, जो वहां के फूड ट्रेडिशंस के साथ मर्ज करके एक नया म्यूजिक शुरू किया जो कि चटनी म्यूजिक के नाम से जाना जाता है। भारत के जो कुछ प्रमुख इंडेंचर्ड माइग्रेंट थे जिनके पुरखे, जिनके एंसेस्टर्स एज एन इंडेंचर्ड माइग्रेंट गए थे, जो बाद में वहीं पे लेबरर गए थे, जो बाद में वहीं शिफ्ट कर गए, उन प्रमुख नामों से कुछ है जैसे वी एस नायपॉल, शिव नारायण चंद्रपाल, बच्चों ने क्रिकेटर का नाम सुना होगा, राम नरेश चरवन, अनिरुद्ध जगन्नाथ, ये पॉलिटिकल हस्ती हैं। ऐसे कई सारे प्रमुख लोग हैं जिनके पुरखे एक समय में इंडेंचर्ड लेबर की तरह इन देशों में गए थे, बाद में वहां के पार्ट एंड पार्सल बन गए। इनमें से बहुत सारे लोग तो वहां की प्रमुख हस्ती के लिए भी फेमस हुए हैं। नाउ अब सवाल उठता है, क्या ये जो माइग्रेशन ऑफ द जो पीपल हुआ है, क्या केवल इंडेंचर्ड लेबर के रूप में ही भारत के लोगों को बाहर निकलना पड़ा? क्या इस पूरे जो प्रक्रम है, जो ग्लोबलाइजेशन का ये जो पेज चला, क्या इसमें भारत के कुछ लोगों को फायदा भी हुआ? देखिए निश्चित रूप से एक बड़ी संख्या में लोग इंडेंचर्ड लेबर की तरह माइग्रेट हुए, लेकिन कुछ भाग्यशाली इंडियंस भी थे जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर के रूप में वो इमर्ज करके सामने निकले। जैसे शिकारपुरी श्रॉफ है, नच्चू कोताई चेटियार से है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो बैंकर्स के रूप में प्रसिद्ध थे, ट्रेडर्स के रूप में प्रसिद्ध थे, जिन्होंने फाइनेंस और एग्रीकल्चर में सेंट्रल और साउथ एशिया में बैंकर्स के रूप में काम किया, एक्सपर्ट एग्रीकल्चर के रूप में काम किया और फाइनेंस का काम देखा, और इस पूरे प्रक्रम में उन्होंने बहुत फायदा कमाया और ये बड़े बड़े इंटरप्रेन्योर के रूप में सामने आया। नाउ इंडियन ट्रेड कॉलोनियलिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम, अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ये जो 19th सेंचुरी का जो ग्लोबलाइजेशन का जो फेज चल रहा है उसमें भारत की स्थिति क्या है। हम सभी जानते हैं 18th सेंचुरी से पहले ग्लोबल ट्रेड में भारत बहुत ही अच्छी कंडीशन में था, भारत से बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट दूसरे देशों में जाते थे और उसके बदले में भारत में बड़ी मात्रा में बुलियन, गोल्ड एंड सिल्वर आया था। लेकिन 9th सेंचुरी ऑनवर्ड स्थिति में बिल्कुल बदलाव आया, जो नया ग्लोबल ट्रेंड आया उस ग्लोबल ट्रेंड में भारत की स्थिति बड़ी खराब। जैसे कि हमने बताया कि भारत के फाइन कॉटन्स बहुत बड़ी मात्रा में
पहले कॉटन कपड़े ट्रेड होते थे, लेकिन जैसे ही इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चर जो थे वो बहुत तेजी से आगे बढ़े, और जैसे ही तेजी से आगे बढ़े उन्होंने भारत से कॉटन को मंगवाना शुरू किया। अब क्या हुआ, भारत से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की जगह पे भारत से रॉ मटेरियल का फ्लो इंग्लैंड की ओर होना शुरू किया। यही नहीं, अभी भी जो थोड़े बहुत मैन्युफैक्चरर जो भारतीय थे, जो बचे थे अभी भी, उन्हें यूरोपियन या इंटरनेशनल मार्केट से कठिन कंपटीशन का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ इंग्लैंड ने एक और बड़ा काम किया यहाँ पे कि ट्रेड का जो टैक्स था, टैरिफ्स था, वो भी इंडियन ट्रेडर्स के ऊपर बड़ी मात्रा में लगा दिया, जिसके कारण भारतीय उद्योग धंधों को यूरोपियन ट्रेड से सामना करना बहुत ही मुश्किल होना पड़ा, मुश्किल होने लगा, एंड दे वर नॉट एबल टू कम्पीट विद देयर ट्रेड। जी सर, सर इस सत्र में केवल 5 मिनट का समय शेष है। यस मैम, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब देखते हैं बच्चे, इस तरीके से पूरा एक नेटवर्क बना हुआ था, स्पाइस ट्रेड रूट 100 सेंचुरी से लेकर 1500 सेंचुरी के बीच का दिखाया गया है। इस तरह से ये एक आप देख सकते हैं, एक पूरा ग्लोबल नेटवर्क बना हुआ है। ये दिखाने का मैप का मकसद यही है कि जैसे कि हम देखें तो एक ग्लोबलाइजेशन को एक न्यू कॉन्सेप्ट के रूप में देखें, लेकिन अगर हम ये मैप देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है, जो इंटरेक्शन अमंग द डिफरेंट नेशन, ये कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं। सदियों से दुनिया भर के देश एक दूसरे से जुड़े हैं, जो आप इस मैप में क्लियरली देख सकते हैं। नाउ द इंटरवॉर इकोनॉमी एंड यूएस, हम सभी को मालूम है बच्चों कि 1914 से लेकर 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को पहला आधुनिक औद्योगिक वार भी कहा जाता है। इस वार के बहुत ही सीरियस इफेक्ट्स में ये माना जाता है कि ऑलमोस्ट 9 मिलियन पीपल डेड एंड 20 मिलियन पीपल इंजर्ड। आप ये आंकड़ा देख सकते हैं 1914-18 के बीच में, उस पीरियड में लगभग 90 लाख लोग मरे हैं और लगभग 2 करोड़ लोग आप देख सकते हैं इंजर्ड हो गए। एंड व्हाट वाज अनफॉर्चुनेट कि ये जो मरने वाले लोग थे मुख्य रूप से वर्किंग एज के लोग थे। निश्चित रूप से जब वर्किंग पॉपुलेशन में गिरावट आती है तो किसी भी देश की इकोनॉमी में भी बहुत गिरावट आती है। सो इस वार के दौरान हुआ क्या था कि ज्यादातर जो उद्योग धंधे हैं वो वार रिलेटेड गुड्स में इन्वॉल्व हो गए, उन्होंने अपने जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उनको बंद कर दिया, उसके जगह पे वार रिलेटेड जो आइटम्स हैं उनको बनाना शुरू कर दिया। इसका परिणाम क्या हुआ कि थोड़े समय के लिए यूएसए की इकोनॉमी में, यूरोप की इकोनॉमी में और इवन इंडिया की इकोनॉमी में भी एक इकोनॉमिक बूम सा आ गया। क्यों, यूरोप की कंट्री तो वार बनाने में लग गए, इसकी जगह अमेरिका ने ले लिया, इसकी जगह जो है भारत के, भारत जैसे देशों ने भी ले लिया, लेकिन सबसे बड़ा मौका मिला इस वार के दौरान यूएसए को। और कुछ ही वर्षों के दौरान यूएसए जो एक इंटरनेशनल डेब्टर के रूप में देखा जाता था, वो एक इंटरनेशनल क्रेडिटर बन गया। इस विश्व युद्ध में इसने बड़ी भूमिका निभाई, उसने यूरोप के बड़े बड़े देशों को लोन भी देना शुरू कर दिया। पोस्ट वार रिकवरी, आज के लिए ये टॉपिक लास्ट है जो हम डिस्कस करेंगे। युद्ध समाप्त हुआ, युद्ध समाप्त तो हो गया, इंग्लैंड और मित्र राष्ट्र जो है उनकी जीत भी हुई, लेकिन इस युद्ध का परिणाम इंग्लैंड जैसे देश को भी बहुत बुरी तरीके से चुकानी पड़ी। इंग्लैंड के सिर पे भी लाखों करोड़ों का कर्ज हो गया। जैसा कि मैंने बताया था, वर्ल्ड वार ने एक सडन इकोनॉमिक बूम तो लाया था, लेकिन जैसे ही वार समाप्त हुआ बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी। अब सवाल उठता है, ये बेरोजगारी क्यों तेजी से बढ़ी, कि वार की समाप्ति के बाद अब वार रिलेटेड गुड्स की डिमांड कम हो गई, जिसके कारण जो कंपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से वार रिलेटेड आइटम्स को बनाने लगे वो वापस इंडस्ट्रियल सेक्टर में लौट के आ गए। इसका परिणाम क्या हुआ, एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन हो गया,
अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बढ़ी क्योंकि सामान खरीदने वाला कोई नहीं हुआ, सामान बहुत रहा लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट वाली समस्या बढ़ी। और इसको रिकवर करने का प्रयास, ऐसी बुरी स्थिति में इसे रिकवर करने का प्रयास सबसे पहले उठाया अमेरिका के फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड ने एक नई उत्पादन प्रणाली, एक नया प्रोडक्शन सिस्टम स्टार्ट किया जो टी मॉडल असेंबली लाइन कहलाता है। अब ये टी मॉडल असेंबली लाइन क्या है बच्चों, आगे बताएंगे, पहले यहाँ पे समझिए। टी मॉडल असेंबली लाइन के आने से प्रोडक्शन में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई और इसने कुछ समय के लिए बहुत तेज इकोनॉमिक ग्रोथ को जन्म दिया। आइए हम देखते हैं सबसे पहले टी मॉडल असेंबली सिस्टम। सर माफ कीजिएगा, समय की अपनी पाबंदियां हैं, इस सत्र को हमें यही विराम देना होगा। टी मॉडल असेंबली सिस्टम में बच्चों देखेंगे आप कि एक डिफरेंट प्रोडक्ट, एक ही किसी भी एक प्रोडक्शन के डिफरेंट पार्ट का प्रोडक्शन अलग अलग जगहों पर होता था जो एक टी मॉडल में होता था। एंड आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट दे वर यूज्ड टू असेंबल एट अ सेंट्रल प्लेस, वहां पे जाके सारे प्रोडक्ट एक साथ इकट्ठे होते थे और जिस जगह जाके फाइनल प्रोडक्ट्स तैयार होता था। और इसके कारण टी मॉडल प्रोडक्शन ने प्रोडक्शन लाइन में इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत तेज वृद्धि की। तो बच्चों आज के लिए ये सेशन यही समाप्त होता है। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स अभी और बाकी है जो हम 16 दिसंबर को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सर, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और साथ ही आपने बखूबी मार्गदर्शन किया हमारे सभी विद्यार्थियों का, शुक्रिया। थैंक यू मैम। तो जितने भी विद्यार्थी, हाँ जी जी सर, जितने भी विद्यार्थी हमारा आज का यह कार्यक्रम देख रहे थे, कहीं मत जाइएगा, कुछ ही समय में वापस लौटेंगे एक और सत्र लेकर। फिलहाल हमें दीजिए विदा, नमस्कार।